दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय O2IAS अकेडमी चंडीगढ़। अब घर बैठे ही करें IAS, HAS और नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी। O2IAS अकेडमी की आपके साथ ऑफलाइन क्लासेस भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार द्वारा बिजली कंपनियों के निजीकरण के लिए संसद में इस सत्र में बिजली संशोधन कानून जो कि आज संसद में लाया जा रहा है के विरोध में मुख्य अभियंता HPSEB एम्प्लाइज यूनियन सेंट्रल जोन मंडी यूनियन ने प्रदेश उप महामंत्री जगमेल सिंह ठाकुर की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिजली संशोधन विधेयक वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, बिजली बोर्ड का निजीकरण करना बंद करो, सार्वजनिक क्षेत्र को बेचना बंद करो, सार्वजनिक क्षेत्र की नीलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस दौरान हिमाचल प्रदेश HPSEB एम्प्लाइज यूनियन के राज्य उप प्रधान जगमेल ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा संसद में बिजली कंपनियों के निजीकरण को लेकर बिजली संशोधन कानून लाया जा रहा है, जिसका HPSEB एम्प्लाइज यूनियन मंडी विरोध कर रही है। जगमेल सिंह ठाकुर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी HPSEB एम्प्लाइज यूनियन। आज इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर आज जो बिजली विधेयक 2022 संसद में पेश किया जा रहा है, उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। उसी कड़ी में मंडी आज हम भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और लंच के दौरान इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है कि आज बिजली क्षेत्र में जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको बेचा जा रहा है और बिजली भी उससे अछूता नहीं रहा। आप हैरानी की बात है कि 2 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को संसद में पेश किया जाता है, संसद में पेश नहीं किया जाता, बिजली मंत्री आर के सिंह जी उसको साइन करते हैं, 5 तारीख को उसको सर्कुलेट किया जाता है और 8 तारीख को आज उसको संसद में 12:12 पर आज उसको पेश किया जाता है। और बड़े हैरानी की बात है कि ना तो इसको बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से, ना अभियंताओं से, ना देश के उपभोक्ताओं से इसके ऊपर कोई चर्चा की गई, ना तो इसको सर्कुलेशन में लाया गया। पिछले दौर में जब किसानों का आंदोलन चला था तो केंद्र सरकार ने इसको माना था कि इस बिजली विधेयक को नहीं लाया जाएगा और बिजली क्षेत्र को प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाएगा, लेकिन आज सरकार उससे पीछे हटी है और बिजली क्षेत्र इसको अमेंडमेंट बिल को लाने का मुख्य मुद्दा यही है कि प्राइवेट क्षेत्र के जो आपके प्राइवेट के जो इजारेदार हैं उनको बेनिफिट देने के लिए इसका किया जा रहा है। कर्मचारियों और उपभोक्ताओं का क्या होगा इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। तो कर्मचारी इसका पूरा विरोध करता है और पूरे तरह से इसका खंडन करता है। आने वाले समय नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की जो भी कॉल होगी, चाहे उसका ब्लैकआउट का होगा, कोई और होगा, उस प्रोटेस्ट में हम पूरी भागीदारी करेंगे और कर्मचारियों को एकजुटता के साथ साथ बिजली बोर्ड के जो पेंशनर हैं और दूसरे प्रदेश के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि इस विरोध प्रदर्शन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि इस अमेंडमेंट बिल को वापस किया जा सके। उधर सुंदरनगर में बिजली संशोधन कानून 2022 के खिलाफ सोमवार को प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी के तहत सुंदरनगर की HPSEB एम्प्लाइज यूनियन ने भी केंद्र सरकार द्वारा बिजली कंपनियों के निजीकरण के लिए संसद के इस सत्र में बिजली संशोधन कानून 2022 को संसद में लाने का जोरदार विरोध किया। HPSEB एम्प्लॉयज यूनियन के केंद्रीय कार्यकारिणी और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पे आज यहाँ ये धरना रखा है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2022 जो संसद में पेश हो रहा है और उसके खिलाफ रखा गया है और बिजली बोर्ड को निजीकरण किया जा रहा है और ये विधेयक 2003 में लाया गया और लगातार HPSEB एम्प्लॉयज यूनियन
और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी लगातार इस लड़ाई को लड़ रही है। और इसको जब अब 10 अगस्त को रखा गया था, परंतु वर्चुअल मीटिंग होने पर यह आदेश हुआ कि अब इसको 8 अगस्त को जो है संसद में पेश किया जा रहा है। और बिजली बोर्ड का समस्त कर्मचारी पूरे प्रदेश में ये इसका विरोध करती है, क्योंकि बिजली इसका विधेयक का निजी का रखने से, इसका निजीकरण करने से हमारे बिजली बोर्ड को तोड़ा जाएगा, और इस निजीकरण से हमारे जो मुनाफे वाले सेक्टर हैं उनको जो है कंपनी लेगी, और कंपनी अपने हिसाब से जो है उसमें कार्य करेगी। और इसमें जो अगर बिजली बोर्ड विधेयक को लाया गया तो सभी जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनके ये प्रभावित करेगा। और इसके साथ साथ जो है 29,000 हमारे पेंशनर हैं, अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण हो जाता है तो वो भी हमारा सवालिया चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसलिए HPSEB एम्प्लॉयज यूनियन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर आज यहाँ पे ये धरना रखा है, और ये मांग करती है कि इस निजीकरण का जो ये विधेयक जो है संसद में रखा गया है इसको रद्द किया जाए, नहीं तो पूरा प्रदेश जो है इसके जो है इसे आगे बढ़ने के लिए गुरेज नहीं करेगा। तो HPSEB एम्प्लॉयज यूनियन मंडी सुंदरनगर यूनिट जो है इसका पूरा जोर विरोध करती है, जिसमें हमारे यहाँ पे पेंशनर और हमारे इंजीनियर्स, हमारे सभी वर्ग के कर्मचारी जो है इस धरना प्रदर्शन में जो है उपस्थित हैं। इसीलिए हमारा यहाँ सुंदरनगर यूनिट जो है जोर से यह विरोध करती है कि यह विधेयक जो है वापस लिया जाए, ये किसी के हित में नहीं है। साथ साथ हम उपभोक्ता भी हैं, और उपभोक्ताओं को और इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, एक खतरे की घंटी है। इसीलिए दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी व सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। ITI मंडी में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है वो हम अपने संस्थान में कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन, ICT टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, मल्टी कुशन कुक, रूम अटेंडेंट, फोर व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन, फील्ड टेक्नीशियन, एयर कंडीशनर, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, स्विंग मशीन ऑपरेटर, टंगस्टन इनर्ट गैस बेल्डर, और इसके अलावा CNC सेटर कम ऑपरेटर ट्रेनिंग जो है वो हम यहाँ करवाने जा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट इच्छुक है वो 20 अगस्त तक जो है वो ITI मंडी में फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म लेके अप्लाई कर सकता है, और इसके बाद जो है HPKVN के अधिकारियों द्वारा और इसकी काउंसलिंग की जाएगी एडमिशन की, और सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो हम ये जो 13 कोर्सेज हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज इनकी हम क्लासेज शुरू कर देंगे। ये जितने भी कोर्सेज हैं ये सब फ्री हैं, इनमें बच्चों को कोई भी फीस जो है वो देनी नहीं पड़ेगी, और कैंडिडेट्स जो हैं अपने अप्लाई करें इसके लिए और इन कोर्सेज का फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू।